मेरे को मिला आंवले का। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस अनदर वीडियो में। आज हूँ मैं आदि बद्री में। अगर आपको पता नहीं है आदि बद्री के बारे में तो इस वीडियो को जरूर देखिए, और अगर आपने बद्रीनाथ के बारे में पता है, अगर आप वहाँ गए हैं, नहीं गए हैं, यहाँ का लिंक सीधे बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है। अब वो कैसे, पंडित जी से बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, और मैं बताऊँगा आपको कि क्या सीनरी है। ओके ओके। कैसा पत्थर है? बाप रे, बहुत भारी पत्थर है ये। डिजाइन अच्छा बन रखा है, यहाँ पे भी डिजाइन बन रखा है, ये देखिए। ओ बाप रे, गजब, किसने बनाया होगा ये? मस्त, बिल्कुल। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं पंडित जी से मिलाऊंगा और यहाँ के पूरे इतिहास के बारे में, यहाँ का जो मूल्य है, जो ऐतिहासिक मूल्य है, वो पंडित जी आपको बताएंगे। अब मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। ओके ओके। तो आप बताएं पंडित जी यहाँ के बारे में। हाँ, ये ऐसा है महोदय, पांच बद्री कहलाई गई, तो पंच बद्री है महोदय, फर्स्ट बद्री कहलाई गई आदि बद्री। आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। विशाल बद्री बद्रीनाथ जी। Okay. तो बद्रीनाथ में महोदय मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी हैं। आदि बद्री में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी हैं। यहाँ पर वो जी स्टैंडिंग खड़े रूप में विराजमान है, तो बद्रीनाथ में पद्मासन बैठे में। अच्छा, बैठे यहाँ बद्रीनाथ में पद्मासन में ना भगवान जी विष्णु जी, और यहाँ पे स्टैंडिंग में, यहाँ पे नेत्र यहाँ भी बंद है भगवान जी की, यहाँ खड़े रूप में तपस्या भगवान जी, और बद्रीनाथ में बैठे में। बैठे में जी, नियम वही है बद्रीनाथ जी वाला। जैसे बोलते अभिषेक पूजा, डेली सुबह 5 बजे अभिषेक होता है, दोपहर को भोग लगता है, शाम को आरती,
साल में महोदय यहाँ पे एक महीने होते हैं कपाट बंद, पूस मास बोलते हैं ना जी जी जी। हाँ, हर साल 16 दिसंबर को बंद होता है और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन भगवान जी के कपाट खुलते हैं। अच्छा, ऐसे करके 14 मंदिर का समूह है यहाँ पे, जैसे बोलते बद्रीश पंचायत। जैसे मेन विष्णु जी हैं, उनके सामने उनके बहन हो गए गरुड़ जी, अन्नपूर्णा माता जी हैं, लक्ष्मी नारायण है, सत्यनारायण है, शिवा है, काली है, हनुमान जी हैं। ऐसे करके महोदय पहले 16 मंदिर थे, 2 मंदिर काफ़ी टाइम पहले खंडित हो गए हैं, 14 मंदिर मौजूद है महाराज, पूरी पंचायत जिसको बोलते हैं। लेकिन पंच बद्री है महोदय, फर्स्ट बद्री कराई गई आदि बद्री, भगवान विष्णु जी आदि बद्री में है तो भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में, यहाँ पर भी जी खड़े रूप में तपस्या और बद्रीनाथ में साहब बैठे में है। जय बद्री विष्णु, जय बद्री, जय बद्री विष्णु, जय बद्री। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आदि बद्री टेम्पल? और अगर आप ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, कर्णप्रयाग से बहुत ही नज़दीक है और गैरसन से भी यहाँ आप आ सकते हैं। A few moments later, फ्रेंड्स मैं अभी एक होटल पे हूँ। कुछ दिनों पहले मनु नहीं आए थे जो कि गिव अवे के विनर थे, पहले विनर। आपने अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो आपको पता होगा, मैं उन्हीं की दुकान पे आ रहा हूँ जिस दुकान पे वो आए थे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं मनु एंड मानी तो जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं चाउमीन खा रहा हूँ, देखते हैं चाउमीन कैसी होती है। फ्रेंड्स मैं चाउमीन खा रहा हूँ फाइनली, बहुत भूख लग रही है। जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो भूख तो लगनी है, स्वाभाविक सी बात है। गब्बर जी के होटल में तो देखते हैं कैसा होता है, पहले बिना चटनी के। फ्रेंड्स बहुत अच्छा हो रहा है, भूख मिटी है भोजन, अभी भोजन भी मिटी है, भूख भी मिटी है। हरी मिर्च, ये देखिए ना कितने अच्छे हॉस्पिटैलिटी है, पानी भी दिया उन्होंने, ये चटनी भी दी, दूसरी चटनी भी दी और क्या बताएं, गिलास में दिया है पानी। फ्रेंड्स गिलास में कौन देता है पानी, ऐसे गड्ढे होते हैं हर होटलों में। जरूर आइए अगर आप आदि बद्री घूमने आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। ओके, यहीं पर है, यहाँ पर पुलिस का एक छोटा सा पोस्ट है, ओके वहीं पर बगल पर। फ्रेंड्स अगर आप ये आदि बद्री वाली वीडियो देख रहे हो और कभी आदि बद्री में आप रुक गए और खाना खाना हो आपको तो यहाँ पे आ जाइएगा, यहीं पे गेस्ट हाउस है और गेस्ट हाउस के सामने यहाँ पे गब्बर सिंह की दुकान है, आप आ सकते हैं। यहाँ पे छोला भी बनाते हैं, मतलब सुबह का खाना बनाते हैं, दिन का खाना और रात का खाना भी बनाते हैं, 9-10 बजे तक रहते हैं यहाँ पे। तो ये है फ्रेंड्स बात, यहाँ पे ज़रूर आइएगा आप। मैंने भी यहाँ पे चाउमीन खाई, 2 चाउमीन खा ली मैंने, इतना टेस्टी बना रखा था। तो ठीक है, फिर ये बोलना था फ्रेंड्स, मैं आदि बद्री में, जैसे कि आपको पता है मुझे अभी गाड़ी नहीं मिल रही थी कहें और मैं पैदल रास्ते लग गया था, लेकिन क्या हुआ मेरे साथ, ये देखो मेरे को मिला आंवले का पेड़ और मैं अब आंवला बैग में भरता हूँ फिर घर ले जाना है। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो कहावत अच्छी होगी, थोड़ी देर में गाड़ी भी मिल जाएगी। चलो फटक से करते हैं इस चीज़ को।